हेलो स्टूडेंट्स, मास दिया है अपन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 3.32 10^-27। वो कहता है इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक सेकेंड में स्ट्राइक करते हैं इतने एरिया पे। ठीक है, ये एरिया का टर्म हो गया और इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, 1 सेकेंड की बात कर रहा है। राइट, एंगल बना रहे हैं 45 और ये हो गया नॉर्मल। और इलास्टिक रिबाउंड कर रहे हैं, मतलब कोलिजन इलास्टिक है अपना। और स्पीड है 10^3 मीटर पर सेकेंड। प्रेशर का टर्म निकालना है ना, ये लॉज ऑफ मोशन से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। अब ध्यान क्या देना है अपन को कि इस तरह का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नॉर्मल से 45 डिग्री पर कोलाइड करेगा और इस तरह निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मोमेंटम होगा ना बच्चों, ये वॉल पर ट्रांसफर होगा। और उसकी इक्वेशन यहाँ से लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा डेल्टा पी, ये हो जाएगा वॉल, अपने को पता होता है आइडिया इस बात का, 2 टाइम्स ऑफ mvx लिखते हैं, या अपन ऐसा कह सकते हैं 2 टाइम्स, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि 2 लिखा mv और ये हो जाएगा cos थीटा। ध्यान रखना, जब एंगल अपन नॉर्मल से लेंगे तो cos थीटा आएगा और वॉल से लेते हैं तो sin थीटा आता है। तो यहां तक तो अपन लोग को फॉर्मूला पता ही होता है, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। और देखो प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर पूछने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स पता चल जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोमेंटम से अपन इनके साथ चल सकते हैं। तो ये इक्वेशन काम आनी इस क्वेश्चन में अपने को। डेल्टा पी लिखा है 2 mv cos थीटा, लेकिन ये बात किसके लिए बोली जा रही है बच्चों, ये हो गया 1 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फोर्स होता है डेल्टा ऑफ पी डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ टी। तो आपका आंसर होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ mv, ये हो गया cos थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। लेकिन अभी तक ये ध्यान रखो कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल की। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल टकराने हैं, इतने सारे पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स। सबस्क्रिप्ट में अपन यहाँ टोटल कर लेते हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक एन का टर्म ऐड हो जाना है, ऐड मतलब सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 mv, ये हो गया cos थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ध्यान से देखो ये टर्म क्या लिखी, 10^23 स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। तो ऑटोमेटिकली ये छोटा वाला एन है जो कि एन बाय डेल्टा टी होता है और उसकी वैल्यू है 10^23। तो यहाँ से इस पूरे टर्म को अगर देखोगे ना बच्चों, तो इसकी जगह पे ये वाला टर्म आएगा। और घबराना नहीं है अपने को, ये हो गया फोर्स और टोटल फोर्स निकल आएगा अपने पास। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर की कहानी अपन पढ़ते हैं 9th-10th से ही, ये हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। और कोइंसिडेंटली अपने को एरिया भी गिवन है। जिन बच्चों को फॉर्मूला प्रॉपरली पता है वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से स्टार्ट कर सकते हैं और सीधा भी आंसर मिल जाएगा। एन की जगह आ जाएगा 10^23, है ना, एन बाय डेल्टा डी की जगह पे, ये हो गया 2। मास का टर्म आ रहा है अपने को 3.32 × 10^-27। वेलोसिटी दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में ही 10^3, और cos थीटा का मतलब होता है 1/√2। ठीक है, और नीचे तो क्या दिखा है यहाँ पे, डेल्टा डी का टर्म तो साउंड हो रहा है और f/a का टर्म है, तो a की जगह पे हो जाएगा 2 × 10^ cm में लिखा है बच्चों, तो हो जाएगा -4। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 23 हो गया, 3 26 हो जाएंगे, ये आंसर आ रहा है अपने पास 3.32। नीचे बच रहा है √2, ऊपर रहेगा 10^-1 और ये हो जाएगा 10^4, ये हो रहा है 3। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 10^3, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर मिल रहा है 2.35 = ये आ गया अपने पास प्रेशर। ठीक है, और हो रहा है आंसर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि प्रेशर का टर्म है। तो देखो ऑप्शन 2 और 3 में गड़बड़ मत करना, 10^3 वाला सही है बच्चों, ऑप्शन 4 सही जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन सीधे इस लाइन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन पहले ही समझ लें अपन कि ये अपन याद करके आते हैं। डेल्टा पी का टर्म 2 mv cos थीटा होता है, जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। तो ये बच्चों अपना फाइनल आंसर है, ऑप्शन 4 होगा इसका सही। थैंक यू स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।